हे एवरीवन, दिस इज प्रदोगन फ्रॉम एमईसीडी एस्पिरेंट्स _95। आज हम डिस्कस करेंगे आईएमयू कोलकाता में एडमिशन लेने से पहले आपको क्या क्या चीज़ खरीदनी है और क्या क्या चीज़ नहीं। ये बेस्ड है 2019 पे, जैसा कि हम लोगों ने फेस किया था। हर साल आईएमयू केसी अपना वो दे देगा, क्या बोलते हैं, एक आती है लिस्ट निकल के आती है कि ये चीज़ें आपको एडमिशन से पहले लेनी है। तो हम लोग के टाइम में भी आई थी, बट जो चीज़ की एक्चुअल नीड पड़ी हम लोगों में उसको डिस्कस कर दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड बाय थिंग्स यू नीड बिफोर ज्वाइनिंग इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी कोलकाता कैंपस, ऑल्सो नोन एज मेरी कोलकाता और DMET। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप सोच भी नहीं सकते कि क्या होती है इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी कोलकाता कैंपस में, गैस करो भाई, सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन, छोटी सी जो सेफ्टी पिन होती है ना, वो इतनी इंपॉर्टेंट है इन केस में सोच नहीं सकते। जिस शर्ट का आपका कॉलर बटन नहीं होगा वहाँ सेफ्टी पिन लगेगी, आपके नेम टैग में सेफ्टी पिन लगेगी, आपके हाथ का बटन टूट जाएगा उसमें सेफ्टी पिन लगेगी। आईएमयू केस में कोई भी बच्चा आस्तीन और बटन खोल के नहीं चलता, सेफ्टी पिन तो हर जगह लगेगी। और देखो टेलर तो आता नहीं है, बाहर जाने देंगे नहीं आपको, तो सेफ्टी पिन एक लौता है। तो सिलाई करनी आती हो तो फिर ठीक है, एक आध होते हैं भाई, हर बैच में होते हैं कि दो चार बंदे जो सिल देते हैं सिलों को, बट हर कोई नहीं सिल पाता, तो सेफ्टी पिन बहुत जरूरी। और कितनी सेफ्टी पिन नहीं है, जितनी ज़्यादा दे सको उतना अच्छा है। मैं तो 4 लेके गया था, बहुत पछता रहा। मेरा रूममेट एक है, वो 30-35 सेफ्टी पिन लाया था, पूरा पैकेट ले आया था 50 रुपये का, तो उसकी सेफ्टी पिन से हम लोगों पूरा काम चला था। भाई सेफ्टी पिन हर जगह लगेगी, रात में नाइट सूट में सेफ्टी पिन, पीटी किट में सेफ्टी पिन, हर जगह सेफ्टी पिन, जहाँ तक तो वहाँ सेफ्टी पिन। तो सेफ्टी पिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब समझ लो। तो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है शेविंग किट। शेविंग किट तो समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग हम लोग कॉलेज में जो शेव नहीं करते ना, उनको अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने पकड़ लिया, बाय द वे सीनियर को छोड़ दिया है, JCC जूनियर कैडेट कैप्टन, कैडेट कैप्टन, सीनियर कैडेट कैप्टन को छोड़ के अगर किसी ऑफिसर ने पकड़ लिया, बाय द वे स्टाफ ने पकड़ लिया आपको शेव नहीं कर रखा, तो आप अगर आप ब्लैक लिस्ट कर दिया ना उसके वजह से, तो आप समझ लो प्लेसमेंट तो गए भाई, कॉलेज से प्लेसमेंट गए, फाइन तो लंबे लंबे रहते हैं, 400-500 रुपये का फाइन लगा देंगे शेव करने के लिए। तो समझ लो अपने रिस्क पे आना, ठीक है। शेव करना बहुत ज़रूरी है, शेविंग किट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी हमारे कॉलेज में। उसके बाद क्या है इम्पोर्टेंट भाई, 3 वाइट शर्ट खरीद लेना और 2 ब्लैक पैंट, काफ़ी ज़रूरी रहेगा ये, 3 वाइट शर्ट 2 ब्लैक पैंट। और कपड़े खरीद ही रहो तो फिर उसके बाद एक और चीज़ खरीदना भाई, बाल्टी खरीद लेना, एक मग्गा खरीद लेना, एक कपड़े साफ करने वाला ब्रश, क्योंकि आप रोज़ रात को कपड़े धोओगे मान के चलो, क्योंकि शुरू में आपके पास कपड़े बहुत कम होते हैं और धो भी 5 दिन में 2 बार आता है, समझ सकते हो, मतलब जो कपड़े आज लेके जाएगा 5वें दिन लौटाएगा। दूसरी बार 2 बार इसलिए आता है कि बीच में एक बार वो आता है दोबारा कपड़े लेने के लिए, तो वो अगले 5वें दिन देगा। तो समझ लो 5 दिन बाद आपको कोई भी कपड़े मिलेंगे। उसके बाद क्या इम्पोर्टेंट है भाई, 2 ब्लू नाइट सूट खरीद लेना, चाहो तो खरीद लेना, चाहो तो कॉलेज आओगे अरेंज हो जाएंगे कॉलेज के अंदर, क्योंकि जो बेड चेक होता है 3-4 दिन बाद से स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या इम्पोर्टेंट है भाई, मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो नेट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मच्छर काट लेगा तो डेंगू हो जाता है हमारे यहाँ। मेरे बैच में कम से कम 3-4 लोगों को डेंगू हुआ था, तो ध्यान रखना इस बात का। 2 ब्लू बेडशीट खरीद लेना, पॉसिबल ही कुछ चीज़ों को ये ब्लू खरीदना और कुछ मत खरीदना। शर्ट और पैंट, जैसे शर्ट वाइट है तो ब्लैक पैंट खरीदिए, बाकी चीज़ों को जितना हो सके ब्लू खरीदना, ये अच्छा रहेगा। 2 ब्लू बेडशीट खरीदना, मॉस्किटो नेट भी ब्लू ही खरीदना, ब्लैक लेदर शूज खरीदना आपको, और जो पॉइंटेड नहीं होनी चाहिए, पॉइंटेड में दिक्कत होगी भाई, यही है रोज रोज की झोल रही है, ये शूज़ नहीं तो वो शूज़ नहीं। और 3 शॉर्ट्स खरीदने और 3 टी शर्ट खरीदनी आपको, खरीद लेना फायदे में रहोगे मतलब की। और शॉर्ट शर्ट ऐसी मत, ऐसी टी शर्ट मत लेना मतलब, इसमें प्रॉपर कॉलर हो और ये बटन होने चाहिए इसमें, जैसा कि आप बंद कर सको ऊपर तक उसको। PT शूज़ मतलब स्पोर्ट्स शूज़ खरीद लेना, PT शूज़ खरीद लेना, स्पोर्ट्स शूज़ खरीदोगे फायदे में रहोगे। PT शूज़ कुछ दिन बाद यूज़ के नहीं बचेंगे, स्पोर्ट्स शूज़ लाइफ टाइम यूज़ करोगे वहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स शूज़ तुम्हारी स्पोर्ट्स के लिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्या खरीदोगे, 2 ब्लैक मोजे खरीद लेना और 2 वाइट, कम से कम मतलब इतने खरीद लेना, आपको पता नहीं लगेगा कितने मोजे यूज़ कर रहे हो, ऐसी हालत हो जाएगी। और 4-5 रजिस्टर खरीद लेना जिसकी कभी यूज़ नहीं होगी, पेन खरीद लेना 10-12, क्योंकि एक दिन में एक पेन खो जाएगा तुम्हारा। स्लीपर्स बहुत ज़रूरी है, स्लीपर्स भी बहुत ज़रूरी, रात में जिस दिन स्लीपर नहीं होंगे ना समझ लो बहुत कुटाई हो जाएगी, फंस जाओगे पूरा। हमने सेफ्टी पिन खरीद लिया, हमने 3 वाइट शर्ट 2 ब्लैक पेन खरीद लिए, 2 ब्लू नाइट सूट खरीद लिए, मॉस्किटो नेट खरीद लिया,
दो ब्लूबेड शीट खरीद ली, ब्लैक लेदर शूज खरीद लिए जो कि पॉइंटेड नहीं है, तीन शॉर्ट्स और तीन टी शर्ट खरीद ली, पीटी शूज खरीद लिए, दो ब्लैक एंड दो वाइट सॉक्स खरीद लिए, चार पाँच रजिस्टर खरीद लिए, स्लीपर्स खरीद ली, बकेट मग एंड ब्रश खरीद लिया और शेविंग किट खरीद ली। सबसे इम्पॉर्टेंट इन सब में फिर भी सबसे इम्पॉर्टेंट सेफ्टी पिन है भाई, वो माने ना माने इस बात को, सेफ्टी पिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन 30-40 खरीद के लाना अगर आई एम ए सी आए हो। और भाई चलो बात करते हैं जो चीज़ें तुम्हें नहीं ज़रूरत आएंगी, जैसे कि लोग कॉलेज जाते हैं भाई तो नॉर्मली लोग क्या शौक करते हैं, जीन्स खरीदते हैं। मैंने खरीदी तीन भाई, कसम बता रहा हूँ एक भी दिन नहीं पहनी पूरे साल में, एक दिन पहनी थी बस जिस दिन टेम्पेस्ट था बस, और एक भी दिन जीन्स नहीं पहनी गई, तो जीन्स तो बर्बाद। एक जीन्स खरीद लेना टेम्पेस्ट के लिए बस, अगर है तो बहुत अच्छी बात, खरीदने की जरूरत नहीं है। दूसरा शर्ट मत खरीदना फालतू ज़्यादा, शर्ट भी एक या दो खरीद लेना, उतनी ही जरूरत पड़ेगी आपको। ये सब फर्स्ट ईयर के लिए बता रहा हूँ मैं, फर्स्ट ईयर जब गुरु कॉलेज में इतनी की जरूरत पड़ती है। और क्या जरूरत पड़ती है, स्कूल बैग खरीदा था मैंने भाई, मैंने वाइट क्राफ्ट का एक बैग खरीदा था 1200-1300 रुपये का था कुछ, बट एक भी दिन नहीं लेके गया कॉलेज, क्योंकि कॉलेज में अलाउड नहीं है बैग ले आना, तो कॉपी ही लेके जाते हैं हाथ में, जितना सामान ले सकते हो हाथ में जाएगा, बैग अलाउड नहीं है। वॉच घड़ी मत खरीदना, बेल्ट मत खरीदना, कोई यूज की चीज़ नहीं है, मतलब पहनोगे नहीं, रेयरली कभी पहनोगे, तो बार बार कहीं जाओगे चोरी छुप कर पहनोगे, फिर कॉलेज में घुसने से पहले उतार दोगे, तो ऐसा ही सीन रहेगा। तो किताबें भी मत खरीदना, किताबें मिलती हैं डी मेरिटाइज यूनिवर्सिटी में, लगभग 15 दिन बाद आपको बुक्स मिल जाएंगी सारे सब्जेक्ट्स की, ठीक है। और पहले के 15 दिन कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती, ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन होते रहते हैं, ठीक है। इतनी ही चीज़ें हैं जो हम लोग की टाइम में यूज़ में आई थी 2019 के बैच में, उससे पहले जो बैच थे हम लोग के उस टाइम वो भी अलाउड नहीं था, वाइट शर्ट कोई भी फॉर्मल शर्ट पहन सकते थे लोग उस टाइम, तो हम लोगों टाइम से वाइट शर्ट हो गया, तो लोगों टाइम में भी वाइट ही शर्ट रहेगा, मुझे नहीं लगता चेंज होगा। जैसे नवंबर आएगा, नवंबर के आसपास लगभग अक्टूबर एंड में नवंबर स्टार्ट में तुम लोगों को ड्रेस मिल जाएगा, मतलब ड्रेस सेप्टेम्बर मिल जाएगा, बट अलाउड हो जाएगा तुम्हें ड्रेस पहनना, और ड्रेस भाई बहुत मिलती है, मतलब पगला जाओगे कसम बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कैसे मिलता है। 6 हाफ शर्ट मिलेगी आपको, 6 हाफ शर्ट्स, 3 शॉर्ट्स ये तो वाइट है, शूज़ मिलेंगे एक पेयर ब्लैक, 2 स्पोर्ट्स शूज़, 1 बॉयलर सूट शूज़, 3 बॉयलर सूट मिलेंगे, और फिर उसके बाद ब्लैक पैंट मिलेंगी 2 वाइट पैंट 2, और फिर उसके बाद है क्या मिलेगा, उसके बाद वाइट पैंट मिलेगी 2 ब्लैक पैंट मिलेगी 2, फिर शर्ट मिलेगी, फुल शर्ट भी मिलती है 3, इतनी चीज़ें मिलती हैं। सॉक्स देखो भाई, सॉक्स 3 जोड़ी ब्लैक सॉक्स मिलेंगे, 3 वाइट मिलेंगे, और फिर उसके बाद मिलेगा आपको स्टॉकिंग्स मिलेंगी 3 जोड़ी, वो भी मिलेंगी स्टॉकिंग आपको, तो 9 सॉक्स मिलेंगे लगभग लगभग। उसके बाद गार्डर मिलेगा आपको पहनने के लिए, उसके नीचे स्टॉकिंग होल्ड करने के लिए 3 शायद वो भी 3 मिलते हैं। फिर आपको की कैप मिलेगी, टायर मिलेगी, ब्लेजर मिलेगा, एक टाई, 2 टाई मिलेंगी, एक ब्लू एक ब्लैक, एप्ले मिलेगा आपको, और नेम टैग मिलेगा एक। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और अगर आप IMU CET और या फिर IMU कोलकाता या किसी भी IMU वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो अपलोड करते रहते हैं हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, फॉलो करो हमें इंस्टाग्राम पे MECDSPN_95। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा हाउ वाज माय फर्स्ट ईयर, मतलब एक ही सेमेस्टर बीता था फिर भी हम लोग उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग IMU CET SPN_95, साइन आउट।